नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों के बीच में मैंने लेकर आए हैं 4440 का बड़ा बोर्ड, और ये बोर्ड दोस्तों ये कैसेट प्लेयर वाली है बोर्ड, और इसमें थोड़ा सामान जो लगे हैं बड़े बड़े लगे हैं, और इसमें कैपेसिटर 2225 वोल्टेज 2225 वोल्टेज में ये कंडेंसर लगे हुए हैं, और ये मैंने अलग से लगाया है 4735 वोल्टेज में ये कंडेंसर लगाए हैं, ठीक। और इसमें थोड़ा बता देते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लीजिए कभी रेजिस्टेंस आपके डेक से प्लेट से मूर्छा खाकर गिर जाए, तो आप देख लीजिए कि इसमें रेजिस्टेंस कौन से नंबर का लगे हो, कभी भी आप इसको देख करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट ट्रेवल का है, और ये है ऑडियो जो निकलता है स्पीकर का। और मैं थोड़ा इसके बात कर लेते हैं, ये जो एम्पलीफायर कैसेट प्लेयर वाला है, अब इसका कोई काम नहीं रह गया है, फ्री एम्पलीफायर है ये जो कि कैसेट क्लियर होता है। और आगे चलते हैं जो कि इसमें बैटरी कनेक्शन, पहली बात बैटरी कनेक्शन कैसे होता है, तो 12 वोल्ट सप्लाई देखिए लाल तार और ये हरा तार काला तार। अब यहाँ देखिए जो 78.5 मैंने लगाया है उल्टा करके लगाया, उधर मुँह है, और ये बीच वाला कनेक्शन है ग्राउंड, ये है इसका प्लस, जो कि इसका प्लस 12 वोल्ट जाता है और 5 वोल्टेज निकालता है, तो सीधे USB कार्ड में पहुंचा देता है, 5 वोल्ट सप्लाई USB कार्ड में पहुंचा देता है। ऐसे आईसी में जो आईसी लगे हुए हैं, तो आईसी ऐसे लगा हुआ है, तो आईसी कैसे लगा है, तो ऐसे लगा करके मैं बता दे रहा हूं कि इसके जो आवाज़ वाली जो साउंड की तार होती है, तो ये है और एक ये है, मतलब कि ये 10 नंबर है और ये है 12 नंबर, इसका आवाज़ वाली आईसी का तार है, जो कि यहाँ सीधे में सॉकेट में इसको जोड़ दिया हूँ, ठीक। तो इसके सॉकेट में मैंने इसको जोड़ दिया हूँ, और ये जो तार है जो ये वाली जो कनेक्शन जोड़ा हुआ है 12 वोल्ट सप्लाई है, दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर पिन है, तो 11 नंबर पिन यहाँ पे भी गया है, तो ऐसे यहाँ भी देखिए 10 नंबर और 12 नंबर स्पीकर के तार इसमें भी जोड़ दिया हूँ, 10 नंबर 12 नंबर स्पीकर का तार जुड़ चुका है, तो इसको मैं हटा दे रहे हैं इसको तार को। अब आगे चलते हैं, अब रह गया है वॉल्यूम का। वॉल्यूम कौन, वॉल्यूम आवाज़ तेज कम करने वाली। तो दोस्तों पहली बात है कि वॉल्यूम देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब पहली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कि ये रेजिस्टेंस में लगा है, इसका कनेक्शन मैं बता दे रहा हूँ कैसे, ये कनेक्शन गया है सीधे, ये ऑरेंज कलर का है, तो सीधे आते आते सीधे यहाँ पर आ गया ये वाले, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 1K रेजिस्टेंस और एक 1K रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो देखिए ये वन के रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। तो वन के रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये वॉल्यूम का कनेक्शन, ठीक, ये वाला जुड़ गया, और ये इसका जो बता दे रहे हैं ये जो कि बीच वाला तार है, जो कि वॉल्यूम का बीच वाला सेकेंड पीला तार है, ये पीला तार सीधे गया यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया सीधे, तो ये कैसे आया देखिए, इसका लाइन यहाँ आया हुआ है और इसका लाइन यहाँ पर आया, तो एक PF लगा हुआ है 104 नंबर का जो अभी दिखा रहा था, तो क्रॉस हुआ अंदर गया, तो सीधे IC के 2 नंबर पिन पे इसको जोड़ा गया है, ठीक। तो IC के 2 नंबर पिन पे जोड़ा गया है, और ये ग्राउंड है, ये वॉल्यूम का ग्राउंड है, मतलब कि सबसे किनारे वाला तार है, जो कि ये तार कहीं अर्थिंग के लिए जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ कहीं जोड़ दीजिए, अर्थिंग के लिए तार है ये। और अब चलते हैं इधर से घुमा करके, तो देखिए जो ये जो तार है लाल वाला, जो कि लाल तार है, ये लाल तार, ये फर्स्ट तार है लाल वाली, तो ये लाल जो तार है फर्स्ट वाली, तो सीधे आकर के सीधे ये यहाँ रजिस्टेंस से 1K में चला गया है, और ये जो है जो कि 2 नंबर तार है, इधर से घुमा दिखाते हैं, देखिए ये 2 नंबर का वॉल्यूम का तार बीच वाला, तो जो कि बीच वाला तार सीधे यहाँ IC के जो IC निकला हुआ है, इसमें PF लगा है, क्रॉस हुआ 104 नंबर का, इस यहाँ पे इसका कनेक्शन आ गया, और एक तार है जो लास्ट तार ये है, जो ये वाली जो कि यहाँ काला तार है, काला तार और हरा तार, तो देखिए एक हरा तार और एक काला तार, तो दोनों कनेक्शन को मैंने आपस में समझिए ये इससे अटैच है और यहाँ जोड़ दिया हूँ, इसको हटा देते हैं, ये भी कनेक्शन हो गया। अब चलते हैं इसके बेस्ट ट्रेवल के कनेक्शन के बारे में बताने के लिए, तो बेस्ट ट्रेवल के समझिए देखिए कि बेस्ट के कनेक्शन कैसे हुआ है, तो ये है बेस, तो ये बेस है, तो
तो फर्स्ट फर्स्ट बता देते हैं, थोड़ा ये तार लपेटा हुआ है, तो ये काला, मतलब ये काला तार है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं काला तार को। ये काला तार, तो ये काला तार कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये तार सीधे आया हुआ है घूम करके, दिखा दे रहे हैं इसका कनेक्शन, क्योंकि आप देख लीजिए विश्वास करेंगे। ये कनेक्शन यहाँ आया, इसका कनेक्शन आते आते सीधे यहाँ आया, और आकर सीधे इसके यहाँ जुड़ा गया है। देखिए यहाँ काला वाला तार यहाँ जुड़ा गया है, ठीक। और ये जो तार है, ये वाला तार जो दो नंबर का तार है, जो वॉल्यूम के दो नंबर तार, ठीक, वॉल्यूम के दो नंबर तार, जैसे मान लीजिए ये वाला, इसमें वॉल्यूम का तार इसमें देखिए जुड़ा गया है। तो वॉल्यूम का दो नंबर का तार जो कि ये मटमैला कलर का है, और यहाँ से यहाँ निकला हुआ है, तो यहाँ से सीधे निकल करके सीधे इधर घूमते हुए सीधे यहाँ पर सीधे जोड़ दिया गया है, ठीक, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। और ये जो लाल तार बचा हुआ है, लाल तार, तो लाल तार देखिए, लाल तार तीन नंबर का है, तो लाल तार सीधे निकला हुआ यहाँ सीधे आकर के, लाल तार ऐसे घूमते घूमते सीधे ये यहाँ जोड़ दिया गया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अब इसके इधर चलते हैं, ये वाला हिस्सा चलते हैं, जो कि ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक। तो ये देखिए काला तार, अब काला तार जो है ये फर्स्ट काला इसका हो गया। अभी देखिए काला तार सीधे यहाँ से घूम करके सीधे यहाँ आया, और आकर सीधे यहाँ जुड़ गया है। और ये जो है मटमैला कलर का, ये वाला दो नंबर पिन सीधे यहाँ पर घूमते हुए सीधे नीचे से आया, और दो नंबर पिन पे सीधे यहाँ मटमैला कलर का जोड़ दिया गया है। और ये है सबसे किनारा तार, जो कि ये लाल है, और लाल तार सीधे इधर से आया हुआ है, आते हुए सीधे नीचे गया, और नीचे सीधे आकर के सीधे यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये तार कनेक्शन बेस का बता चुका हूँ, अब ट्रेवल का बताऊँगा। तो ट्रेवल का दोस्तों ये फिर से स्टार्ट करते हैं इधर से, क्योंकि ये फर्स्ट है, और ये फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे जो है ये संतरा कलर का तार है, संतरा कलर का तार है, जो फर्स्ट तार है, और ये घूम करके सीधे आया, घूमते हुए सीधे आया, आते आते सीधे ये ऐसे संतरा कलर का तार सीधे नीचे आया, आकर के सीधे यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यहाँ पर संतरा कलर का तार जोड़ दिया गया है। अब बताते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर तार, जो कि ये दूसरा नंबर तार है वॉल्यूम के ट्रेवल का दूसरा नंबर तार, जो कि पीला तार है, पीला निकल के सीधे आया, आते आते सीधे यहाँ आया, और आकर सीधे यहाँ पे जोड़ दिया गया है पीला तार। दोस्तों यहाँ पर ये पीला तार जोड़ दिया गया है, और ये जो हरा तार है, हरा तार को मैं बता दे रहा हूँ, हरा तार सीधे यहाँ आया, और आकर सीधे यहाँ पर ये वाला हरा तार इसमें जोड़ दिया गया है। अब बताते हैं यहाँ पे ये वाला, ये भी फर्स्ट तार है, जो कि ये भी है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज मतलब ऑरेंज संतरा कलर, यहाँ से निकला सीधे सीधे यहाँ आया, और आकर सीधे इधर आया ऑरेंज कलर, ये वाला, ठीक, ये वाला ऑरेंज कलर में जोड़ दिया गया, ये वाला तार है। और ये जो बता देते हैं ये वाले पीला तार, पीला तार मतलब कि दो नंबर तार है, देखिए दो नंबर तार है ये वाला, तो ये वाला दो नंबर तार पीला तार, तो ये तार इधर से आया घूमते हुए सीधे ये यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया है। अब ये जो बचा लास्ट तार, हरा तार, हरा तार जो कि हरा तार सीधे निकला, और आकर सीधे यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया है। अब तार ये जुड़ चुका दोस्तों, अब इसको हम बताते हैं कि इसमें हम यदि ब्लूटूथ बजाएंगे तो ब्लूटूथ का कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे। तो पहले हम ब्लूटूथ का तार हम जोड़ ले रहे हैं, इसके बाद में आपको बता दे रहे हैं। तो ये देखिए ब्लूटूथ है, अब ब्लूटूथ है जो कि ये एंटीना FM का होता है, और ये जो तार निकला हुआ है देखिए यहाँ पे बीच वाला, जो कि ये मानस जैसा बना हुआ है, बीच का कनेक्शन निकला, सीधे क्या किया मैंने, बीच कनेक्शन के निकाल करके यहाँ सीधे यहाँ मैंने लगा दिया, जो कि ये ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड देखिए कैसे लगा, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया इसको, ठीक। अब जो दो तार बचे हुए हैं, दो तार, तो दो तार को एक यहाँ लगा दिया, और एक यहाँ लगा दिया, ठीक।
तो दोनों को मैंने लगा दिया है। ये है ग्राउंड, ग्राउंड कहीं से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए जुड़ चुका है। अब क्या करना है, इस तार को मैं यहाँ लगा दे रहे हैं चेक करने के लिए, और स्पीकर के तार में जोड़ दे रहा हूँ बजाने के लिए। तो अब लगा रहे हैं यूएसबी कार्ड चेक करने के लिए। तो ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, वीडियो बनने के लिए थैंक्स।